या रोल विशाल इधर आ जाओ विशाल मारे जान दूर जाने का शायरी चल शायरी 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 सुनेगा या भाई शायरी से शुरुआत करेंगे क्या कहेंगे सुनना चाहेगा प्यार पे दोस्ती पे प्यार और दोस्ती है भी क्या दुनिया में है ना है आपसे ये बहुत प्यार करता है उस पर मैं करता हूँ चलिए थोड़ा बोल दीजिए शायरी कि मरने का तेरे गम में इरादा भी नहीं है क्या बात है इश्क मगर इतना ज्यादा भी नहीं है यस समझा यस भाई इश्क किया है कभी रोज करता उसको इश्क नहीं बोलते बड़ा उसको टाइम तो क्या है कभी क्या हो नो मनी नो हनी वो है वो नहीं भाई उससे दूर रहने का क्या रोज करता इश्क बोला इश्क इश्क रोज नहीं होता बेटा एक ही बार होता है उसमें तुम्हारी वाट लग जाती है इंसान बावला बन जाता है मजनू के नाम से फेमस हो जाता है राजा बन जाता है क्या बात है क्या भाई हाड़ होगा सीना चीर कर खुद की नहर बहानी पड़ती है बेटा तब होता है इश्क़ वेब सीरीज कमिंग ऑन सोनी लिव अमावस्या और एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है गुड म्यूजिक वीडियो विल कम The big artist, inshallah. I will tell you that time or not. Which to parde mein rehne mein to acha lagta hai. Abhi hum number ki jai aur number ki jai piche kar rahe the aur to usse hum kya sochte hain? Main bola log Munawar ko bolte hain ki double dating kiya ye kiya wo kiya. Log ye nahi dekh rahe hain ki khali uske naam se do ladkiyan itni famous ho gayi hain ki media unke piche bhag rahi hai. Log aaj Hindustan unhe janta hai. तो ये मुनव्वर के वजह से है ना है कि नहीं बोले बोले क्या हुआ बोले नशा था उतर गया दिल था भर गया इंसान था बदल गया जाने दो मैं देख रहा हूँ मुनव्वर ही जीतने वाला है ट्रॉफी जाएगी डोंगरी और कहीं जा भी नहीं सकती उसे हक है 100% ट्रॉफी ले जाने का और मैं चाहता हूँ कि मुनव्वर ही जीते और वही जीतेगा इंशाल्लाह देखो अंकिता भी अच्छा खेली डिग्निटी संभाल के खेली अपने हस्बैंड के साथ खेली बड़ा मुश्किल होता है तुम्हारा पार्टनर जब 24 घंटे सामने हो तुम्हारी आवाज़ निकलना तुम्हारा असली चेहरा दिखाना तुम्हें जज करेंगे लोग तो उसे भी बहुत अच्छा खेला लेकिन मुनव्वर ने सिक्स मारा है सीधा सिक्स मारा है और बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला है और बहुत अच्छे से किया है उसने थैंक यू बताना चाहेंगी और आज के इवेंट के बारे में योर कमिंग क्या कुछ सोचा है एंजॉय कैसे करना है इट्स अ क्लब लॉन्च पार्टी एंड It's beautiful. It is very close to my set. The best part. I shoot in Sakinaka. It is like 10 minutes away from my set, so I can come chill here anytime. And I feel so good to be invited here. All of my friends are around, and I feel so good to come and socialize with everyone. Okay, talking about Humli Bhagya show, we saw that surely आपसे अब दूर होता जा रहा है आपकी इतनी planning plotting काम नहीं आ रही है क्या कहना चाहेंगे मेरी planning plotting ना ठीक है fail हो सकती है but मेरे mind में इतनी ज़्यादा planning plotting चलती रहती है कि ठीक है ये खत्म हुआ तो हुआ अभी next ये so now Kavya and Karan are stuck in a bank और bank robbers ने उन्हें bank में पकड़ लिया है और वहाँ पे मैं पहुँचती हूँ और मैं पहुँच के देखती हूँ कि प्रीता भी वहाँ पर है जो उन्हें छुड़ाने की कोशिश कर रही है तो मुझे पता लगता है कि सारा क्रेडिट प्रीता को मिल जाएगा तो प्रीता से सारा क्रेडिट वापस लेने के लिए मैं वहाँ पे एक प्लान बनाती हूँ और मेरा प्लान सक्सेसफुल होता है और फाइनली सारा क्रेडिट मैं लेके जाऊँगी एंड देन आई विल बी द हीरो ऑफ द हाउस ओके टॉकिंग
किससे सपोर्ट कर रही है बिग बॉस में इस साल? मैंने अभी तक जितना भी देखा है, आई थिंक अंकिता लोखंडे इज डेफिनेटली गोना बी द विनर ऑफ द शो. शी इज प्लेइंग रियली वेल एंड शी इज अ स्मार्ट वुमेन, शी इज अ ब्यूटीफुल वुमेन एंड शी इज एन एंटरटेनिंग वुमेन एंड शी इज विनिंग हार्ट्स. ओके, टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? टॉप 3 में आप किसे देखती हैं? मैं विनर में अंकिता लोखंडे को देखती हूं. ओके, थैंक यू सो मच अंकिता. Hi Tanuj, so firstly tell us something about the party night, about the place. Have you been inside? Okay, so I have not been inside as yet. I just got here. In fact, I just got back from my honeymoon this morning. Okay. But I had to come and support her. Yes, yes, congratulations. I saw the pictures. Yeah, that's why I'm really jet lagged. I probably won't remember that we had this conversation today, but honestly, jokes about me, bahut hi khush hu. I've heard great things about that day, about the vibe inside. So I'm bahut hi excited to andar jaane ke liye. And yeah, we have to support my friend. And get ready for like 500 people. Absolutely. How's the second end have been for you? So far so good. Yeah, ek saal ke baad baat karenge na. Exactly. But phir bhi. Very good. Very good. No. He has the biggest defeat. Yes. So 2024, are we going to see the Cartel 2 or Inside Edge 4? Which thing we are going to see first? Unfortunately, you are not going to see either of them this year because currently they are in writing phase. So आपको पता है कि लिखते-लिखते time चला जाता है. But जब मौका आएगा, shoot करने का, तो definitely. But there are many other exciting. It's been a while for Inside Edge. It's been like 3 years, I guess. Inside Edge last season came December 2021. So they're currently working on it, but. When they are ready to make an announcement, then I can speak. I hope I can see the jersey 18 behind. Take care, bro. Thank you. Thank you for supporting me, guys. Thanks a lot. Yeah. Yes, bro. Thank you. And congratulations. Thank you. Yes, congratulations. Yeah. Thank you. हेलो. सो सबसे पहले जगह के बारे में, काफ़ी नई जगह जाने नहीं दे रहे जगह के बारे में क्या? अंदर से आके ये लिया फिर बताएंगे अंदर से क्या था. सो क्या कहना चाहोगे? पार्टी है, पार्टी की नाइट है, एक लॉन्च से सोशल मीडिया पे अंदर जाने से पहले देख चुके हैं. ओके, आपसे जानना चाहेंगे क्या है इस साल नया स्पेशल धमाकेदार 2023 के एंड एंड पर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट आए आपके, आप 2024 की शुरुआत कैसे होगी आपकी, आपकी पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, टेल अस समथिंग अबाउट इट. सॉरी, पर्सनल लाइफ बता दीजिए. ओके, प्रोफेशनल लाइफ बता दीजिए. पर्सनल लाइफ में 2024 रॉकिंग शुरू हो चुका है क्योंकि जल्दी नेटफ्लिक्स पे मेरे something. Are you still shy? Am I what? Shy with the media. Really? Yes. He's not shy. He just escapes media because they ask him about the celebrities. Okay. So what should I ask about you? About the place? Tell us something about the place. I haven't been inside yet. So you have not been inside? Ask him about Big Boss. He's a very religious Big Boss watcher. Tell us something about, have you watched this year? I watched every season. I know you watched. So I think everybody thinks Madhavan is going to win. Okay, what do you think? I think Abhishek is going to win. Okay, you love Abhishek. I like Munawar more. You like Munawar and Abhishek both. Yeah. So what's the best part of them? Like they have been into the house from starting first day. Anything that you really liked about those particular boys? See, the thing about Munawar, he's a very grounded man. Got very good in the strength and the attack he's got has been really heavy, but he's still grounded. The thing about Abhishek is that he's expressive, he doesn't tear. Yes. And that's good. I think Abhishek is going to win. Yes, I would just ask the same question to her. Vicky has gone with Ankita. If you guys get the chance to go,
both of you. I'm telling you, we did get a chance and he said, no. I'm not going with you. Why? मैं पता नहीं उनको संभालूंगा तुमको संभालूंगा चैनल को संभालूंगा कि पब्लिक को संभालूंगा I think you guys should go. You look so good together. आप लग गए ला? हाँ. It's okay. It's okay. It will fail. It will fail. It's fine. My profession. नाम याद है? Psychology. Yes. I read people. So I would love to go. Okay, you read people. But you won't go with me. Why? Because I can't read her. Okay. That's a difficult choice. That's a difficult task. I'm getting married. I'm here too. Yes. Thank you so much. Thank you. Enjoy the night. Coming back on your screens for sure. मेरा web series अभी release होने वाला है भाई। वो इधर इधर इधर। अच्छा।
चलिए आइए आइए इधर के लिए कुछ हाय पलक फर्स्टली अरे यार फिर करो हाय पलक फर्स्टली यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल टेल अस समथिंग यू आर होस्टिंग द नाइट एज आई केम टू नो योर फ्रेंड दिस जस्ट टोल्ड मी यस हाउ वाज इट Prince and I are hosting this together and it's kind of fun jab aapki social life itni achhi hoti hai and you've got like a couple of friends in the industry also to thodi party to banti hai because kaam hum log itna aur nahi karte hain to ek weekend to hum sab deserve karte hain so definitely I'm hosting this all my people and like there's a notch of this place you see you guys so definitely bahut achhi jagah hai and you guys should must visit this place break ke baad aap kis tarah se like how you are looking forward for 2024 Well, 2024 is all about new year and new me and new look. As you all can see, I just got my hair chopped and kuch naya experiment karna tha look ke saath. So definitely, and 2024 mein kafi kuch naya aap log ko dekhne ko milega. My new show is releasing next month, so stay tuned for that. Are you watching Big Boss? Yeah, Big Boss dekh to nahi rahi hu, but kafi Instagrams pe reels aate rehte hain, you know. So I am updated with that. You're there, so yes. Nazila's close friend, Munawar is inside the house. Nazila is my very close friend, yes. I must say. Nazila ke bhi close friend, Munawar is Ex-close. Ex-close is a very better word. I think kyunki main bhi jab show mein gayi thi, so theek hai yaar, ye exes ka matter chalta rehta hai. Jo ex hai, humko ex hi rehne dete hain hum. And aage badh jaate hain. Do you see Munawar winning the show? Earlier, honestly, I was seeing him winning the show, but कहीं ना कहीं मुझे उनकी लग रही है थोड़ी game अब हिल चुकी है because कहीं ना कहीं एक blast from the past is already in the show with him as much as I know. So I don't know कितना dicey situation है उनके लिए, but I just hope the deserving person really wins. When you see the ex in the house, how difficult it is? It's very difficult because मैं भी उस घर में रही हूँ अपने ex के साथ and it's not very easy to you know be under the same roof. But honestly, जब there's a reason why we call them your ex and your past. So it should not hamper your game or because in fact मेरा भी वो show delayed था and nothing really hampered me in the show from he being part of it. Thank you so much. Thank you. Thank you guys. I have a 4-year-old daughter
नहीं नहीं पहले ये सही, पहले ये सही। थोड़ा पीछे हो जाओ नाजिला, थोड़ा सा नाजिला, थोड़ा आगे एक स्टेप। नाजिला सेंटर लुक लोगों के साथ भी अच्छी जगह होती है। Tell us something, Nazila is here, about the place she is here, promote and sorry. Like they just called me out, they were like, just come outside. So, but I'm happy we're going back to my place. Sorry, good to know. I hope you like the place. I'm like, I did like the place. I love the vibe. I'm not a party person, but I'm a party girl. Nazila, आपसे जानना चाहेंगे, there are so many things happening right now. That's why I was asking you questions continually. क्या आप देख रहे हो, क्या आप देख रहे हो? Would you like to say something to the fans? क्योंकि आपने कभी post भी किया। मैंने already बोल दिया जो बोलना था मैंने। Nazila यहाँ पे भी आप चाचू से बोल दो। आप देख लो ना मेरे मेरा video जाके देख लो, उसमें जो भी मुझे बोलना था मेरे। बट नाजिला आयशा के जब भाई आए सबसे पहला चीज़ आयशा ने पूछा कि हाउस नाजिला उनकी हेल्थ कैसी है। अंबिका आयशा के बारे में क्या कहना चाहोगे? वो अंबिका फिकर कर रही है घर के अंदर। उसको पूछ लो आयशा बाहर आ गई, आयशा बाहर आ गई आप उससे मिलने वाले। सेंटर लुक कैमरा लुक सेंटर आई हैव नो आईडिया वो बाहर आ गई। आयशा ने बताया कि घर में जाने से पहले उनकी आपसे मिलना बात हुई क्योंकि यू गाइस हैव वर्क ऑन कॉल। दिया है और ये बहुत पब्लिक खींच गया है लेकिन मुझे और इस पर ऐड नहीं करना।
हम और ये चाहते हैं कि अभी आप लूसी लू डिस्कस करें। पब्लिक फिगर हो तो जानना चाहती है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट लूसी लू? आई लव द प्लेस, द वाइब वाज ग्रेट, द फूड वाज गुड, आई हैड अ ग्रेट टाइम ओवर हियर। व्हाट अबाउट द लॉन्च, द पीपल? इट वाज नाइस, देयर वर लॉट ऑफ पीपल, आई फेल्ट वेरी नाइस एंड वार्म एंड वेलकम, इट वाज अ नाइस वाइब एंड नाइस नाइट। ओके नाजा, लास्टली एनी मैसेज फॉर योर फैंस जिन लोगों ने आपको सपोर्ट किया है या फिर ट्रोल किया हो उन लोगों को कोई मैसेज? ऑल्सो नाजा, बट जो लव कर रहे हैं उनको, उनके लिए मैं बहुत मतलब उनको ऑब्वियसली ज़्यादा प्यार करती हूँ और थैंक यू सपोर्ट करने के लिए। मुझे बहुत लोगों के हेट आते हैं, आई डोंट फोकस ऑन द हेट, आई फोकस ऑन द लव। आर यू गोना सजेस्ट योर फ्रेंड्स टू कम टू लूसी लू? यस यस, इट्स अ नाइस प्लेस, यू गाइस एक्सपेक्ट मी कमिंग हियर। व्हाट्स योर फेवरेट थिंग अबाउट लूसी लू? द फूड, अडानी कबाब, बस रियली अडानी कबाब। मुझे आदत है ये लगाने की बात। थैंक यू नाजिला, चलो इनका।